सवाल ये आता है कि ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा, क्योंकि संविधान में उसकी प्रस्तावना में साफ लिखा है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। मान लिया, लेकिन मैं आपसे सभी टीवी चैनलों के जितने भी विद्वान एंकर हैं उनसे, जितने भी कोर्ट में जज वकील हैं उन सब से, जितने भी कलाकार जितने भी अभिनेता जितने भी नेता उन सब से, जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के मेरा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सब देने का प्रयास करें, ईमानदारी से बताएं कि ये संविधान कब तक सुरक्षित रहेगा इस देश में, कब तक सुरक्षित रहेगा? ये बिगेस्ट क्वेश्चन है, ये यक्ष क्वेश्चन है। ये संविधान हमेशा सुरक्षित रहे इसके लिए हिंदू राष्ट्र कह रहे संविधान पर खतरा है। 15-20 साल और रुक जाओ। आज आपके सामने यहां मथुरा से 50 किलोमीटर दूरी पे, 50 किलोमीटर 84 कोस की परिक्रमा, जहां सब लोग करते हैं, पूरा विश्व का लोग आता है, 84 कोस की परिक्रमा होती है, वहां पर क्या हुआ? क्योंकि वहां हम अल्पसंख्यक हैं, क्या हुआ वहां? गोलियां चली, पत्थर चले, वहां पर टीवी चैनलों के एंकरों में भी वो पत्थर पड़े, वो जो आप लोगों की गाड़ियां लेके चलते हैं वो फूंक दी गई हैं। आज 2023 में कल्पना करिए 2047 में क्या होगा, 2047 में भी संविधान सुरक्षित रहे इसके लिए हिंदू राष्ट्र की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं इस पर आगे भी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन कानून के जानकार हमारे साथ हैं, क्या वाकई हिंदू राष्ट्र संभव है इस संवैधानिक व्यवस्था में? क्लियर, आप डिफाइन कैसे करते हैं हिंदू राष्ट्र? मेरे विचार से तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। नहीं नहीं, आप सिंपल हिंदू राष्ट्र मतलब एक धर्म विशेष का राष्ट्र, कानून में क्या है? कानून तो सिर्फ कहता है धर्म निरपेक्ष, तो हिंदू भी तो हमेशा धर्म निरपेक्ष है, सारे धर्म। अरे भाई, हम भी तो धर्म निरपेक्ष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सबकी मनोकामना, हम तो सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। देखो, मैं एक बात आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आने वाले भविष्य को देखने के बाद भी जो लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं ना, वो ना अपना भला कर पाते हैं, ना अपने समाज का, ना अपने देश का भला कर पाते हैं। नहीं तो इस आज की आज गारंटी है, आज, आज 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 यूरोप उसी आग में जल रहा है जिसके लिए वो भारत को उकसाता था, अरे ये धर्मनिरपेक्ष, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, ये होता है। आज फ्रांस जो है वो मसाल लेके घूम रहा है, बटन लेके घूम रहा है, हमें शांति दे दो, हमें बचा लो। वो कंडीशन भारत में ना हो इसके लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जब देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सब नहीं होगा? पक्का नहीं होगा। बताइए, नेपाल में कहाँ दुखी हैं ये? जब भी हिंदू राष्ट्र रहा था क्या ये वहाँ दुखी थे? लेकिन आज तो वो भी नहीं रहा हिंदू राष्ट्र। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे चीन ने दबा दिया, भारत को चीन दबा नहीं पाएगा। और अगर हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र रहा, नहीं सुना? अरे मेरे जयशंकर साहब ने कहा हम उनके सामने कहीं नहीं टिक सकते, चीन के सामने कहा, और मोदी जी एक बार भी चीन का नाम। अरे आप चीन पर आ गए, हिंदू राष्ट्र में तो आपने बोला ही नहीं। मैं तो सर हिंदू राष्ट्र पे भी बोल रहा हूँ, आप तो चीन पर आ गए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ गुरु जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक गांव नहीं बना सकते हिंदू राष्ट्र, पूरे देश की तो आप बात क्या कर रहे हैं? और आपके सनातन धर्म को छोड़ के लोग बहुत धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि आप दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। अच्छा। आप दलितों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं, आप जातियों में बांटते हैं। आप आना चाहते हैं मंदिर में? मैं तो जाता हूँ मंदिर में, आपको भी जाता हूँ। ये भी आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे भाइयों को कहा जाता है मंदिर में नहीं आने जाता। एक जगह टीवी चैनल में लोग बोले थे आप पुजारी नहीं बनाते, मैंने कहा मैं तुम्हें बना देता हूँ पुजारी, आओ तो सही पूजा, मैं आपको भी पुजारी बना सकता हूँ, कसम से मंदिर बनवा के दूंगा, और बढ़िया तिलक लगाना, तुलसी दूंगा, दीक्षा भी दूंगा, आप लो तो सही। ओम जी, हिंदू राष्ट्र ये देश जब बना था, जब आज़ाद हुआ था, और जब उस संविधान सभा में इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ, तो बात ये हुई कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल कैसे रखा जाए। संविधान के हमारे निर्माताओं ने शायद इसी बात को ध्यान रखते हुए इस देश में सेकुलरिज्म का वो नींव रखी। क्या वो सेकुलरिज्म आज सभी धर्मों को साथ लेकर साथ नहीं चला जा सकता? जरूरी है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र ही बनाया जाए। मैं मानता हूं कि आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमि का पितृभू पुण्य भूमिश्च सैव सवै हिंदू इति स्मृतः।
यानी सिंधु नदी से सिंधु तक, समुद्र तक, जो इस पूरी भूमि का, मैं यहाँ बैठे लोगों का आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों का कि एक बार अपनी आँख बंद करके इस मातृभूमि का, इस पितृभूमि का ध्यान करें, सिंधु से, सिंधु नदी से नीचे समुद्र तक, इस भूमि को जो भी अपनी पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है वो हिंदू है, हिंदू की डेफिनेशन है। और इस परिभाषा में, इस परिभाषा में मेरे मित्र रंगरेज जी को हिंदू बनने में कोई गुरेज नहीं है। वैसे भी वो मान चुके हैं। तो आप बनाना ही क्यों चाहते हैं उनको? वैसे भी वो मान चुके हैं। इस बात पर इतना जोर क्यों उनको हिंदू बनाना ही क्यों? मुझे पूरा मौका दीजिए सर, मैं एकदम स्पष्ट कर दूंगा जल्दी, और सभी प्रतिप्रश्न लेने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, एक बात तो ये कि इस भूमि को जो भी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है वो है पब्लिक डोमेन में, ठीक है। दूसरी बात ये कि हिंदू कभी एक दायरे में संकुचित नहीं रहा, सनातन कभी एक दायरे में संकुचित नहीं रहा। हमने किसी एक ब्रदरहुड की, क्रिश्चियन ब्रदरहुड के जैसे बात नहीं की, हमने किसी मुस्लिम भाईचारे की बात नहीं की। हमने क्या कहा? हमने कहा इंद्रम वर्धन्तो अपुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। हम इस पूरी धरती को श्रेष्ठ बनाएंगे, ये उद्घोष यही की सनातन भूमि से निकला। हमने ये कहा अयम विजह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्। ये पूरी धरती हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार।